हेलो नमस्कार दोस्तों, जय शंकर। क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम घर से निकल पड़े हैं, तो आप गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल चंबा पहुँचते हैं फटाफट से। तो अंकल जी आ गए, अंकल जी हमें छोड़ने आए हुए थे। तो ये आ गई भंजराड़ू मार्केट। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पहुँच चुके हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो है हम चंबा के लिए बस लेंगे यहाँ से। तो मेरी वाली भी आ गई। आप इतना बड़ा खा लोगे? तो भूख नहीं लगी है। पड़ोसी जी ने, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, लंगोटिया यार है मेरी। चिढ़ाती रहती हूँ। हाँ, मैं झूठ झूठ मैं ऐसे चिढ़ाती रहती हूँ पड़ोसी जी बोल के, इसका गुस्सा आता है ना इसलिए। तो अभी हम इसको फिनिश कर लेते। अबे यार, हमने जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा ही ठूस लिया, तो जिसकी वजह से थोड़ा पेट में भी दर्द हो रहा है। आपके हो रहा है? नहीं, मेरे नहीं हो रहा है। ये बड़े मजे के साथ खा गए है ना। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं रास्ते की तरफ। ये आ गए मेरे जीजू जी। तो जीजू जी नमस्ते। हेलो, कैसे हो आप? ठीक। बस ठीक। कैसा चला आपका बिजनेस कारोबार? ठीक चला है। चलो ठीक है। तो अभी हमारी बस ये वाली जाएगी जो बीच में HRTC खड़ी है, ये पूरे 1:30 पर जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे फिलहाल वेट कर रहे हैं। अब बस थोड़ी देर में चल पड़ेगी, तो अभी हम अंदर चल पड़ते हैं। आइए। तो ये आ गई बस। तो अभी ये सारे यात्रीगण पीछे बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर में बस जो है चल पड़ेगी। तो पेट्रोल से जो स्मेल आती है खतरनाक वाली, किस किस को बुरी लगती है? पड़ोसी जी, क्या आपको भी पेट्रोल की स्मेल बुरी लगती है? सच बोलूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? पेट्रोल खाने का मन करता है क्या आपका? नहीं, बस मतलब मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? मतलब क्या, कैसे अच्छी लगती है जरा बताओ। पता नहीं, मुझे अच्छी लगती है। देखिए जनाब, इनको पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है। भाई, मुझे नहीं लगती अच्छी। और किस किस को इनके जैसे पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि पेट्रोल का सेंट लेके दूंगी मैं आपके लिए, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ले देना, है ना, लोगे? पक्का पक्का। तो पेट्रोल ही छिड़का करो यहाँ पे कपड़ों पे भी, जो पेट्रोल की है खुशबू आती रहे, महका दीजिए खुद को भी पेट्रोल से। तो अभी जो है बाकी जो यात्रीगण है वो भी बैठ रहे हैं। यार, टिकट गुम ना हो जाए इसलिए मैं इसको बैग में डाल लेती हूँ। तो अभी हम रखालू माता के मंदिर पहुँच चुके हैं और बस यहाँ पे लगी हुई है। तो ये देखिए, ये तो मैं भी जो है जल्दी से टिक्का लगा लेती हूँ छोटा सा। ये लो, आप भी लगा लो। चलो, ये जय माता दी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चंबा बस स्टैंड में, तो चलते हैं अब। ये मेरे मासी जी लगते हैं, मासी जी को भी चश्मा चढ़ गया। तो मासी जी ऑल द वेस्ट। देखिए यहाँ पे भी लड़कियाँ कुछ प्रैक्टिस कर रही हैं, और जो पूरा चौगान है वो लड़के और लड़कियों से भरा हुआ है, क्योंकि जो है भर्ती चली हुई है आजकल। तो हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं ना, तो चलो बैठते हैं इधर। तो आप कुछ खाओगे? ये मास्क उतार दो ना, मास्क क्यों पहना है, निकाल दो। भूख लगी, खिला दो कुछ भी। क्या बोला? भूख लगी, खिला दो कुछ। या आप जोर से नहीं बोलते हो ना, जिसकी वजह से मुझे बोलना पड़ता है कि दोबारा बोलो, है ना। तो क्या खाओगे आप बोलो, आप जो खाओगे वो खिलाएंगे। कुछ भी खिला दो। अच्छा, तो थोड़ी देर हम कुछ खा लेते हैं। और आप देखो, मतलब थोड़ा अब अंधेरा भी होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ये जो आज का ब्लॉग है यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो आई होप आपको जो मेरा वीडियो है वो अच्छा लगा होगा।
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करके भेजें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। हाँ बाय। जय भोलेनाथ।